इसराइल और हमास के बीच चले उस लंबे युद्ध विराम का मंजर तो हर किसी ने देखा, लेकिन अब एक बार फिर ये तनाव सामने उभर कर आ रहा है। हमास की तरफ से बार बार इसराइल को उकसाने वाले कदम उठाए जा रहे हैं, तो इसराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई में बमबारी की जा रही है। एक बार फिर यही हुआ। दरअसल IDF के मुताबिक देर रात इसराइल में गाजा पट्टी से एक रॉकेट दागा गया था, लेकिन आयरन डोम के एरियल डिफेंस सिस्टम द्वारा इसे रोक दिया गया। IDF ने अपने ट्विटर पेज पर लिखा कि आज रात इसराइल पर गाजा से दागे गए रॉकेट के जवाब में हमने हमास के ठिकानों पर हमला किया। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि पुलिस द्वारा गाजा के इस्लामिक जिहाद समूह के दो व्यक्तियों को पकड़ने के कुछ ही घंटों बाद सायरन बजाया गया, जो इस हफ्ते की शुरुआत में अधिकतम सुरक्षा वाली इजरायली जेल से भाग गए थे। इजरायली सेना ने यह भी कहा कि गाजा पट्टी के साथ इजरायल की सीमा के पास शुक्रवार की देर रात रॉकेट से आग लगने की चेतावनी सायरन की सुनाई दी। वहीं हमास की तरफ से भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। गौरतलब है कि इसराइल और हमास के बीच हाल ही में कुछ 11 दिनों तक लड़ाई चली थी, जिसके बाद 21 मई को युद्ध विराम की घोषणा हुई। लेकिन पिछले दिनों गाजा में फिलिस्तीनियों ने सीमा पार आगजनी वाले बैलून छिटपुट रूप से लॉन्च किए थे, जिससे इसराइल के कुछ हिस्सों में आग लग गई थी। फिलिस्तीनियों का कहना है कि आगजनी वाले बैलून छोड़ने का उद्देश्य इसराइल पर मई की लड़ाई के दौरान कड़े किए गए तटीय एन्क्लेव पर प्रतिबंधों को कम करने के लिए दबाव बनाना है। बात पिछले कुछ दिनों की करें तो पिछले हफ्ते इसराइल द्वारा गाजा पर कुछ प्रतिबंधों में ढील किए जाने के बाद बैलून लॉन्च में कमी आई थी, लेकिन कुछ दिनों पहले गाजा से फिर बैलून छोड़े गए थे, जिससे सीमा से लगी इजरायली शहरों के पास आग लग गई थी, जिसके जवाब में इसराइल ने हवाई हमले किए थे। वहीं मिस्र और संयुक्त राष्ट्र ने इसराइल के हमलों और गाजा बैलून लॉन्च पर मध्यस्थता के प्रयास तेज कर दिए। हालांकि पहले की तरह अभी मामला ज्यादा नहीं बिगड़ा। जानकारी के मुताबिक मई की लड़ाई में कम से कम 50 फिलिस्तीनी और 13 इजरायली मारे गए थे। दरअसल इसराइल की सरकार बदली है। इसराइल में नई सरकार के बनते ही दोनों पक्षों में संघर्ष विराम टूटा था। हमास ने इसराइल पर बैलून बम से हमला किया था, जिसके जवाब में इसराइल ने हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करते हुए उसे भारी नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद दोनों के बीच तनाव पहले जैसा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।